आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 92 वर्ष की उम्र में लता ने इस दुनिया को छोड़कर वो चली गई हैं। वे ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उम्र के इस पड़ाव पर बीमारी से जूझने के बाद आखिरकार लता ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली है। उनके निधन के बाद लता मंगेशकर के कई अनसुने किस्से जहन में उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं। इनमें से एक वाक्य हम आपको बताते हैं। अगर कोई लता मंगेशकर की किसी चीज़ की बहुत तारीफ कर देता था तो लता वो चीज़ उसके लिए कर देती थी। उन दिनों फिल्म महल बन रही थी और फिल्म के नए गाने के लिए हुई बैठक में गीतकार नशकाब ने लता की चमचमाती नई कलम की बहुत तारीफ की तो उन्होंने कहा कि लीजिए इसे रख लीजिए। ये कहते हुए लता ने कलम उन्हें थमा दी, लेकिन लता भूल गई कि उस कलम पर उनका नाम खुदा हुआ था। उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि इस गीतकार का इरादा कुछ और है। नशकाब ने लता के नाम वाली कलम फिल्म इंडस्ट्री में सबको दिखानी शुरू कर दी। उन दिनों के बीच कुछ चल रहा है। जी हाँ, लता ने इस मामले में चुप रहना ठीक समझा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वे उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेंगी तो बवाल बढ़ेगा और लोग मजा लेंगे। एक और रिकॉर्डिंग में नशकाब फिर से टकराए। वे जताने को डेस्परेट थे कि लता उनके प्यार में पड़ गई है, इसीलिए रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद वो बीच बीच में उनके बूथ में घुस जाते थे और उनसे गाने पर जोर देते थे। इन लाइनों में इतनी मोहब्बत भर दो कि ऐसा लगे कि तुम अपने प्रेमी के सामने बिना शर्त के समर्पण कर रही हो। लता ने यहाँ अपना गुस्सा पी लिया था, लेकिन उस दिन तो हद हो गई जब गीतकार अचानक लता के घर पहुंच गए। लता अपने नाना चौक वाले घर के अहाते में बहनों के साथ खेल रही थी। उस समय महज हंसती खिलखिलाती किशोरी तो थी ही। इस बारे में बात करते हुए लता जी ने बताया कि अगर मैं अकेली होती तो उसके आने से दिक्कत में पड़ जाती थी, लेकिन अपने बहनों के सामने मैं उस चिपकू आदमी को एक शब्द नहीं सुनाना चाहती थी। मैं सड़क पर उन्हें लेकर चली गई। गुस्से में साड़ी का पल्लू कमर में खोजते हुए मैंने पूछा कि मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। मैंने उसे धमकाया कि अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर उस गटर में फेंक दूंगी। ये मत भूलना कि मैं एक मराठा हूँ। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।